Hello everyone, this is Kushali Kathiria. In this video we discuss a water jug problem. What is a water jug problem or how to solve it, we all discuss in this video. So let's start. Water jug problem have a two jugs, like 4-gallon jug and 3-gallon jug. Gallon, it means it is a measurement for the liquid, okay? In our day-to-day life we use a liter for the liquid measurement, but we also use as a gallon. So here we have a two jugs as a 4-gallon and 3-gallon. We also have a unlimited water source for the fill the water using this kind of the water source. Here our goal is the get exact 2-gallon of water into 4-gallon jug. क्या हमें चाहिए, हमारा गोल और इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट है हमारे पास ब्लैंक वाटर जग है 4-gallon के और 3-gallon के, और अनलिमिटेड वाटर सोर्स है. उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 4-gallon जग में हमें 2-gallon वाटर है वो फिल आउट करना है. उसके लिए हमें लिस्ट आउट किया है रूल को, कि इतने रूल से हमें 12 रूल है, ओके, टोटल 12 रूल है. 12 रूल की मदद से हमें क्या करना है, ये 12 रूल की मदद से हमें ये जो भी 4-gallon जग है उसको हमें 2-gallon वाटर से फिल करना है. सो हम रूल पहले डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इन अवर रूल. फर्स्ट रूल इज एक्स कॉमा वाई. एक्स इट मीन्स 4-gallon जग, ओके, एंड वाई मीन्स 3-gallon जग. In 4-gallon jug and 3-gallon jug, we first fill the 4-gallon jug as unlimited water source. Okay? So, हमने क्या किया है, पहले 4-gallon jug को हमने fill कर दिया है. Okay? Second rule क्या है हमारा, fill the 3-gallon jug. Okay? Second rule हमारा ये है कि 3-gallon jug को हमें unlimited water source से fill करना है. ये सब rule ही है, हमने कोई step भी initialize नहीं किया है. Third rule हमारा क्या है, pour some water out of the 4-gallon ओके जग. ओके, हमें क्या करना है, फोर इट मीन्स रिमूव वाटर फ्रॉम द 4-gallon जग. ओके, सम वाटर आउट फ्रॉम द 4-gallon जग आफ्टर सेम सिचुएशन फॉर द 3-gallon जग. इट मीन्स पुअर सम वाटर आउट ऑफ द 3-gallon जग. नाउ फिफ्थ रूल इज एम्प्टी द 4-gallon ऑन द ग्राउंड. क्या करना है, एम्प्टी कर देना है 4-gallon जग को. सिक्स नंबर रूल इज द एम्प्टी द 3-gallon जग ऑन द ग्राउंड. इट मीन्स रिमूव द ऑल वाटर फ्रॉम द 3-gallon एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. ओके, सेवेंथ वन इज द पुअर वाटर फ्रॉम द 3-gallon वाटर इन टू 3-gallon जग अंटिल द 4-gallon जग इज अ फुल. इट मीन्स क्या हमें करना है, 3-gallon जग में जो कोई भी पानी है, बचा हुआ पानी है, उसको हमें क्या करना है, 4-gallon में ऐड करना है. और 4-gallon को तो कब तक ऐड करना है 3-gallon में से 4-gallon में, जब तक 4-gallon है वो फुलफिल नहीं हो जाता, पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक. ओके, बाद में क्या है, नाइन्थ इज पूर ऑल वाटर फ्रॉम द 3-gallon इन टू 4-gallon जग. नाउ 3-gallon टू 4-gallon जग, ओके, सेम सिचुएशन. टेंथ हमारा क्या है, पुअर ऑल वाटर फ्रॉम द 4-gallon इन टू 3-gallon. 4-gallon में जो भी कोई पानी बचा है उसे क्या करना है, हमें 3-gallon में ऐड कर देना है. 11th नंबर रूल इज अ पुअर 2-gallon फ्रॉम द 3-gallon टू द 2-gallon जग टू द 4-gallon जग, 2-gallon वाटर. ओके, नाउ वी मूव our 2-gallon water from the 3-gallon jug to the 4-gallon jug. Okay, our remainder water, this is a 2-gallon jug. If it is a 2-gallon water, then it's moved to the 3-gallon to 4-gallon. And 12th one is the empty the 2-gallon jug into 4-gallon. Okay, हमें क्या करना है, empty करना है किसी भी jug को. Okay, this is a rule for the water jug problem. Now we solve our problem in step by step. Okay, so this is a solution. This is all solution step by step. First step is our initial stage. Initial stage have a both empty jugs. Okay, 4-gallon jug and 3-gallon jug have a empty jug. Now in our second step, or in our second stage, we fill
और वी यूज अ सेकेंड नंबर रूल. सेकेंड नंबर रूल क्या कहता है? हमारा सेकेंड नंबर का रूल कहता है फिल द 3 गैलन जग. इट मीन्स वी फिल द 3 गैलन जग अनटिल 3 गैलन इज अ फुल. ओके, तो हमने क्या किया है, 3 गैलन को हमने फुल कर दिया है. ओके, फिल कर दिया है. बाद में हमें क्या किया है, स्टेप नंबर 3, इट मीन्स रूल नंबर 9. रूल नंबर नाइन कैन से पोअर ऑल द वाटर फ्रॉम द 3 गैलन टू द 4 गैलन. नाउ वी मूव ऑल द वाटर फ्रॉम 3 गैलन टू 4 गैलन. दिस काइंड ऑफ द वाटर, दिस वाटर इज मूव टू दिस 4 गैलन जग. ओके, एंड सो 3 गैलन जग इज अ एम्प्टी. सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस x प्लस वाई कॉमा जीरो. ओके, नाउ क्यों? क्योंकि हमारा x पहले से ही कुछ था, हमारे को जो कोई भी 4 गैलन जग था उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x से. ओके, x के बाद रिप्रेजेंट करने के बाद हमने क्या किया है, उसमें 3 गैलन जग का जो कुछ भी वाटर था वो क्या किया, हमने ऐड किया. 3 गैलन जग को हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y से. इसीलिए x प्लस वाई इन 4 गैलन जग कॉमा जीरो. क्यों? क्योंकि हमने सारा कुछ पानी जो बचा हुआ था हमारे पास वो हमने इसमें डाल दिया, इसलिए हम यहाँ पर x प्लस वाई कॉमा जीरो ओके लिख रहे हैं. इन नेक्स्ट स्टेप वी फिल द 3 गैलन जग अंटिल 3 गैलन इज अ फुल. ओके, वी अगेन अप्लाई सेकेंड नंबर रूल. एंड नाउ इन अवर नेक्स्ट स्टेप, इट मीन्स नंबर 5, वी अप्लाई रूल नंबर 7. वॉट इज अ रूल नंबर 7? रूल नंबर 7 सेज दैट pour water from the 3 gallon jug into the 4 gallon jug until 4 gallon jug is a full. Okay, pour water, some water, not all water. Okay, some water to the 3 gallon to 4 gallon. Okay, 4 gallon have already some water, few water. Okay, now we move a water from 3 gallon to 4 gallon until 4 gallon is a full. Okay, so हमने क्या किया है, 4 gallon को fill कर दिया है. कितना? y माइनस 4 माइनस x. जितना x 4 गैलन को जितना चाहिए था उतना हमने इसमें ऐड कर दिया है और y में से निकाल दिया है. ओके, नाउ वी रिमूव 4 गैलन वाटर एम्प्टी. ओके, वी रिमूव 4 गैलन वाटर और एम्प्टी द 4 गैलन जग और पुट इट डाउन ऑन द टू द ग्राउंड. ओके, 4 गैलन जग को हमने क्या कर दिया है, ब्लैंक कर दिया है. तो क्या हुआ है, वो 5 हो गया. और हमने कितने नंबर का रूल अप्लाई किया है, 5th नंबर का रूल. ओके, वी अप्लाई 5th नंबर रूल ऑन स्टेप 6. दिस वन इज द एम्प्टी 4 गैलन जग. ओके, एम्प्टी 4 गैलन जग, बट 3 गैलन जग हैव अ फ्यू सम वाटर. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस. नाउ वी मूव दिस वाटर 3 गैलन टू 4 गैलन. ओके, सो 3 गैलन टू 4 गैलन, वी अप्लाई रूल नंबर 11, पुअर द 2 गैलन वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग टू द 4 गैलन जग. सो दिस इज अ 2 गैलन वाटर. आई बात समझ में? क्या हुआ, पहले हमने 4 गैलन और 3 गैलन दोनों को, 4 गैलन और 3 गैलन दोनों एम्प्टी थे, 3 गैलन को भर दिया. ओके, ये क्या है, एम्प्टी है, 3 गैलन को इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये 3 गैलन भर दिया. 4 गैलन का जो कोई भी जग है उसको हमने कितना भरा, 3 गैलन तक. कैसे मेजर हुआ, क्योंकि ये 3 गैलन का है इसीलिए. बाद में हमने क्या किया कि 3 गैलन को हमने वापस से भर लिया और उसको वापस से हमने 4 गैलन में डाल दिया. 4 गैलन में कितना ऑलरेडी 3 गैलन पानी था ही इसमें, क्यों, यहाँ पर 3 गैलन पानी था ही. बाद में हमने क्या किया, उसमें वाटर ऐड किया. कितना वाटर ऐड किया, जब तक 4 गैलन खत्म फुल फिल नहीं हो जाता तो उसमें कितनी जगह थी, 1 गैलन की, 1 गैलन की. ओके, तो 1 गैलन क्या कहाँ गया, इसमें फिल हो गया और बाकी का बचा, कितना बचा होगा यहाँ पे, 2 गैलन. ओके, सो नाउ वी रिमूव दिस वाटर फ्रॉम द 4 गैलन, सो वी हैव अ 2 गैलन वाटर इन अ 3 गैलन जग. सो फ्रॉम द गोल स्टेज वी वॉन्ट वाटर 2 गैलन वाटर इन अ 4 गैलन जग. सो वी मूव अ 3 गैलन 2 गैलन वाटर 3 गैलन जग टू 4 गैलन जग. सो हियर वी रीच अवर गोल स्टेज. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. ओके, 4 गैलन जग, 3 गैलन जग एंड रूल अप्लाइड. ओके, वी राइट हियर डायरेक्टली, वी डायरेक्टली राइट अ रूल नंबर हियर
Okay, first of all, 00, it's 00, it means empty. Okay, now we fill 3 gallon jug. Okay, using second rule, we move 3 gallon water from 4 gallon, 3 gallon to 4 gallon. Okay, so 4 gallon have a 3 gallon water and 3 gallon have a zero water. Apply 9 number rule. After that, we fill 3 gallon jug using unlimited source using second number rule. Now we fill 4 gallon jug using 3 gallon jug. Okay, so we move 1 gallon water from 3 gallon and we add here and we minus here. We apply, we use a seventh number. Okay, now we empty 4 gallon jug. Okay, on ground, and we have a 2 gallon water on 3 gallon. Now 4 gallon jug, we move a 2 gallon water from 3 gallon to 4 gallon, and we have a reach a goal state using 11. So this is a water jug problem. Okay, this is a simple water. We have also using this kind of the rule, we have reached 1 2 3 4 5 6 path cost is a 6. We can also using this is rule. Okay, we can also this rule, and we also maybe it is an optimal answer. But अगर हमें जो इस स्टेप से भी अगर हमें छः पाथ कोस्ट है हमारी, 6 पाथ कोस्ट है हमारी, अगर हमें इसे भी अगर छोटे स्टेप में और कम रूल्स में अगर हम आंसर ले पाए तो उसे भी हम ऑप्टिमल आंसर कह सकते हैं. ओके, यूजिंग दिस काइंड ऑफ द रूल. सो दिस इज अ वाटर जग प्रॉब्लम. थैंक यू.